नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार इस त्योहार के सीजन में एक तोहफा लेकर आई है। नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएफ खाते पर ब्याज दर 8.65% तय कर दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से 8.65% ब्याज देने को मंजूरी दे दी गई है। लंबी कश्मकश के बाद अब वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रोविडेंट फंड पर 8.65% की दर से ब्याज मिलेगा। इसकी जानकारी श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने दी है। श्रम मंत्री ने कहा कि 6 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएफ पर 8.65% का ब्याज मिलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इस साल फरवरी में ही 8.65% ब्याज को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था, लेकिन कुछ वजहों के चलते वित्त मंत्रालय ने इसका रिव्यू करने के लिए कहा था। अब दोनों मंत्रालय के बीच सहमति बनने के बाद वित्त मंत्रालय ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अगर बात करें अभी तक की ब्याज दरों की तो 2017-18 में मिला ब्याज 5 साल में सबसे कम है। इसके अलावा 2016-17 में ब्याज दर 8.65% रही। 2015-16 में ये दर 8.8% थी। 2013-14 और 2014-15 में कर्मचारियों को पीएफ पर 8.75% ब्याज मिला। वहीं 2012-13 में 8.5% ब्याज दिया गया था, लेकिन अभी ईपीएफओ आपके पीएफ खाते पर 8.55% ब्याज देता है, जिसे बढ़ाकर 8.65% किया गया है। इसका सीधा फायदा 6 करोड़ खाता धारकों को मिलेगा। आपको बता दें कि पिछले महीने श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच ब्याज दर को लेकर सहमति बन गई थी, जिसके बाद नौकरी पेशा लोगों के लिए ये फैसला लिया गया है। अब त्योहारों के मौके पर सरकार के इस फैसले का लोगों पर क्या असर होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।